हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजाटा ब्लॉग। लेट्स गो। या आई एम लाइक एन एडिक्ट टू आई गॉट इट। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी एक्सेल 6 का अल्फा प्लस वेरिएंट, जो कि टॉप इन वेरिएंट है और इसकी प्राइस जाती है 12.89 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 14.90 लाख, जो कि 6 मोनोटोन एंड 3 ड्यूल टोन कलर्स में अवेलेबल है। और पहला कलर है इसका नेक्सा ब्लू, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेकेंड न्यू कलर है ऑपुलेंट रेड, जो कि काफी शानदार लग रही है। थर्ड कलर है ब्रेव खाकी, बहुत ही अमेजिंग। और फोर्थ कलर है ग्रैंडियर ग्रे। और इसके अलावा फिफ्थ कलर है दोस्तों स्प्लेंडेड सिल्वर, काफी शानदार। सिक्स्थ मोनोटोन कलर है आर्कटिक वाइट। इसके अलावा ड्यूल टोन में 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है ऑपुलेंट रेड विद मिडनाइट ब्लैक रूफ, सेकेंड है ब्रेव खाकी विद मिडनाइट ब्लैक रूफ, एंड थर्ड है दोस्तों स्प्लेंडेड सिल्वर विद मिडनाइट ब्लैक रूफ। जहां तक इसके डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल को काफी बोल्ड, एग्रेसिव और रगेड डिजाइन दिया गया है। इसे एसयूवी डिजाइन दिया गया है और इसमें फेसलिफ्ट अवतार में यहां पे आपको फ्रंट ग्रिल काफी चेंज देखने को मिलेगा। थिक क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। सुजुकी के नीचे यहां पे दिया गया है फ्रंट कैमरा। जी हां दोस्तों, इसमें 360 डिग्री कैमरा आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो पहले जैसे ही आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, क्वाड एलईडी हेडलैम्प यूनिट और टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में फॉग लैम्प दिया गया है। फ्रंट ग्रिल काफी थिक और बोल्ड लग रहा है दोस्तों। वहीं इसके नीचे एयर डैम ब्लैक कलर में और साथ ही यहां पे स्किड प्लेट दिया गया है आपको सिल्वर कलर में। काफी एसयूवी स्टांस दिया गया है इसके फ्रंट प्रोफाइल को। साइड प्रोफाइल में ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। वहीं सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में टॉर्जन बीम विद कॉइल स्प्रिंग दिया गया है। और टर्निंग रेडियस प्रोवाइड किया गया है 5.2 मीटर। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ 4445 mm, विड्थ 1775 mm, हाइट 1755 mm, व्हील बेस 2740 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, बोट स्पेस 209 लीटर, 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। इसके साथ ही बहुत ही शानदार रीडिजाइन में 16 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील ड्यूल टोन में दिया गया है। काफी अमेजिंग इसका व्हील साइज है 195/60R16। और इसके साथ ही ORVM की बात करें तो बॉडी कलर एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, विच इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। जस्ट इसके नीचे आपको साइड कैमरा देखने को मिलता है, 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल कराया गया है। फ्रंट में वाइपर दिए गए हैं और रूप में ध्यान दे तो यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको ड्यूल टोन में रूप रेल दिया गया है। और इसके बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट रखा गया है। और रियर साइड आपको दिया गया है इसमें फ्लोटिंग रूप डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, पियानो ब्लैक फिनिश बी पिलर सी पिलर और डी पिलर पे भी दिया गया है। और क्रोम गार्निश में यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही रियर प्रोफाइल एक बार चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल। इसमें क्या नया आपको मिलता है वो एग्जैक्ट आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है जो कि पहले नहीं मिलते थे। इंटीग्रेटेड स्पॉयलर दिया गया है, साथ ही यहाँ पे वॉशर दिया गया है। एलईडी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही डिफॉगर और रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है। टेल गेट में हॉरिजॉन्टल लाइन में क्रोम गार्निश दिया गया है दोस्तों, जो कि इसके डिजाइन को काफी बेहतरीन बना देते हैं, जो कि पहले वाले वेरियंट में नहीं आते थे। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक यहाँ पे दिया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो। काफी शानदार एलईडी टेल लैंप यूनिट, जो कि 3D एलईडी टेल लैंप यूनिट है, जिसका बॉटम में आपको मिडनाइट ब्लैक कलर मिल जाता है। बीच में सुजुकी का लोगो, नंबर प्लेट की जगह जस्ट उसके ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। टेल गेट के लेफ्ट साइड एक्सेल 6 की बैजिंग, राइट साइड स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग और नीचे ड्यूल टोन में रियर बम्पर। स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में दिया गया है। दोनों ओर रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि वर्टिकल में दिया गया है, जो कि नाइट के समय में टेल लैंप से जुड़ता हुआ नजर आता है दोस्तों। और इसके साइड प्रोफाइल एक बार दोबारा चेकआउट कीजिएगा, इस साइड से भी काफी अमेजिंग डिजाइन दिया गया है दोस्तों। जो इससे पहले वाली वेरिएंट थी दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसके स्मॉल टायर साइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 16 इंच का अलॉय व्हील यानी 1 इंच बढ़ा दिया गया है। चलिए आप बात करते हैं इसके इंटीरियर की, ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर जिसमें कीलेस एंट्री दिया गया है।
और यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम, साथ में यहाँ पे वुडन टेक्चर दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल ORBM के कंट्रोल दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। क्रोम फिनिश डोर लॉक पे, नीचे 1 लीटर का बोटो होल्डर, थोड़ी सी जगह, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको मिलते हैं। डैशबोर्ड लेआउट एक बार चेकआउट कीजिएगा, काफी प्रीमियम। बीच में आपको वुडन टेक्चर दिया गया है जो कि अनाउंस कर रहे हैं इसके डैशबोर्ड लेआउट को। और वहीं इसके इंटीरियर में आपको हाइट एडजस्टेबल यानी 6-way हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है। परफोरेटेड ड्राइवर सीट यानी फ्रंट सीट आपको यहाँ वेंटिलेटेड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और फ्रंट पैसेंजर्स यानी ड्राइवर और को पैसेंजर्स के लिए AC वेंट भी यहाँ पे रूफ माउंटेड दिया गया, यानी कि फ्रंट पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे कूलिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, और इसमें हिल होल्ड असिस्टेंस का, हेडलैम्प लेबलर का यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने को मिलता है। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसमें सेंटर कंसोल की। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जस्ट इसके नीचे, जस्ट सफिशियंट स्टोरेजेस और क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है जो कि 6-speed टॉक कन्वर्टर मिल जाता है, 2 cooled कप होल्डर और इसके साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और सेंटर कंसोल में 7-inch का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन मिल जाता है जिसमें आपको 360 degree कैमरा आप देख पा रहे हो। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को भी सपोर्ट करता है। इसका जो क्लैरिटी है दोस्तों आप देख पा रहे हो, रिजल्ट बहुत ही शानदार। साथ में कनेक्टेड फीचर हाई सुजुकी बर्ज इन फीचर्स दिया गया है, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी दिया गया है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID दिया गया है जिसमें ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3-spoke टिल्टेबल फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड में दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। और इसके साथ ही प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह का दिया गया है। और इसके साथ ही हम और फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। सेंटर कंसोल में 2 cup holder आपको कूल्ड दिया गया है और USB पोर्ट, ऑक्स एंड 12 volt का चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। वुडन टेक्चर दिया गया है काफ़ी प्रीमियम और AC वेंट, डैशबोर्ड लेआउट आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है इल्यूमिनेशन के साथ, और सेंटर में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर, साथ में हेलोजन बल्ब के रूप में आपको दिया गया है यहाँ पे कैबिन लाइट, और ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है इल्यूमिनेशन के साथ। इसके अलावा इसके रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें, ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को और यहाँ पे मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, 1 लीटर का बोटो होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर और क्रोम फिनिश में डोर लॉक। सेंटर रो में मिलते हैं आपको 2 captain seat जैसे कि ये 6-seater MPV है, और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, और इसमें आपको रूफ माउंटेड AC वेंट मिल जाता है अर्टिगा की तरह, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं लेग रूम, हेडरूम की। लेग रूम काफ़ी अच्छी खासी, साथ ही हेडरूम की बात करें तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह का दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और रियर पैसेंजर्स के लिए यहां पे AC वेंट दिया गया है और उसका कंट्रोल भी यहां पे जस्ट इसके एडजस्टेंट ही दिया गया है। चारों ओर ग्रैब हैंडल दिया गया है, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल, और यहां पे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दिया गया है, और रियर में आपको 50-50 स्प्लिट होता हुआ 2 seats दिए गए हैं, दोनों ओर आपको कप होल्डर, साथ में यहाँ पे 12 volt का चार्जर यहाँ पे दिया गया है, और इजीली आप इंग्रेस हो सकते हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे लेग रूम, थाई सपोर्ट अच्छी खासी मिल जाता है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा हेडरूम भी अच्छी खासी मिल जाती है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो यहाँ से भी आप डैशबोर्ड लेआउट और कैबिन स्पेस चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए। और इसके साथ ही बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को। रिवर्स पार्किंग कैमरा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों ही रियर सीट स्प्लिट होते हैं 50-50। सभी सीट्स यूज़ करने पर मिल जाता है 209 liter का बूट स्पेस, और रियर सीट स्प्लिट करने के बाद 500 above liter आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे स्टोरेजेस दिए गए हैं, लगेज आप रख सकते हैं, और इसके जो स्पेयर व्हील है
जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि स्टील व्हील में दिया गया है दोस्तों। और वहीं टेलगेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल दिया गया है जिसे ग्रैब करके आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। चले दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारुति सुजुकी एक्सेल 6 में प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 101.65 BSP की पावर 6000 RPM पे एंड 136.80 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पे। वहीं ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो मिलता है आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है 20.97 KMPL की माइलेज। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पे काफी सारा बदलाव किया गया है ओल्ड वेरिएंट के कंपैरिजन में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है 4 एयरबैग। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, एंटी पिंच पावर विंडो ड्राइवर साइड, और इसके अलावा आपको जियो फेंस अलर्ट भी दिया गया है। साथ ही सेफ्टी फीचर्स के रूप में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एडवांस सेफ्टी फीचर्स के रूप में हेडलैम्प ऑन वार्निंग, टायर प्रेशर डिस्प्ले, ड्यूल हॉर्न, हार्ट टैक प्लेटफॉर्म, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन, टॉक असिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सलरेशन जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू एक्सेल 6 अल्फा प्लस की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यू टेस्ट ड्राइव्स वॉक अराउंड्स कंपैरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।